नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़ा स्वागत है। तो मैं हूँ आपका साथी रावताराम चौधरी। आज अपन सुनेंगे एक महाभारतकालीन कथा, पांडवों तथा कौरवों का जन्म। तो कथा बड़ी विचित्र है, आप मन लगा के सुनना। अगर कथा को आप पूरी सुनोगे तो ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होगी, अन्यथा कोई कथा सुनने से मतलब ही नहीं है। तो एक बार राजा पांडु अपने दोनों पत्नियों कुंती तथा मांद्री, राजा पांडु के दो पत्नियों थी जिनका नाम क्या था, एक का नाम कुंती तथा दूसरी का नाम मांद्री। तो राजा अपनी दोनों रानियों के साथ वन में आकेट के लिए गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा मिला। मैथुन रथ का मतलब है काम केड़ा में व्यस्त था। तो पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले कि हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूँगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा कि नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। तो पांडु ने उनको अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इस दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। तो उन्होंने उन ऋषि मुनियों से समय को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा कि राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको साथ ले जाने में असमर्थ है। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले कि हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्था हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितर ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तो कुंती बोली कि हे आर्य पुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिसे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। तो धर्म ने कुंती को एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः दो बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने मांद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। मांद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीन पुत्र कुंती के थे, नकुल और सहदेव दो पुत्र माद्री के थे। इस प्रकार पांचों पांडु की माता दो थी। तो एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया, जिससे पांडु का मन चंचल होटा और मैथुन से प्रवृत्त हुए ही थे कि साफ बस उनकी मृत्यु हो गई। मांद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। तो युधिष्ठिर के जन्म होने पर धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी के हृदय में भी पुत्रवर्ती होने की लालसा जागी। गंधारी ने वेद व्यास जी से पुत्र प्राप्ति होने का वरदान प्राप्त कर लिया और गर्भधारण के पश्चात दो वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो सोमवश गंधारी ने अपने पेट में मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। तो योग बल से वेदव्यास को इस घटना के बारे में तत्काल जानकारी मिल गई और वे गंधारी के पास आकर बोले कि गंधारी, तूने बहुत गलत किया है, मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र 100 कुंड तैयार करके उनमें घर्त भरवा दो। तो गंधारी ने 100 घड़े लाकर घर से भर दिए। आज्ञानुसार वेदव्यास ने गंधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित करके जल छिड़का, जिसके
और उस पिंड के अंगूठे के फेर में के समान बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गंधारी के बनवाए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दे दिया और वे अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड को दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती का पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह भौंकने लगा। ज्योतिषियों ने इसका लक्षण पूछे जाने पर उन लोगों ने धृतराष्ट्र को बताया कि राजन, आपका ये पुत्र कुल का नाश करने वाले होगा। तो पांडुओं के पिता का नाम राजा पांडु और कौरवों के पिता का नाम धृतराष्ट्र था। तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये कुल का नाश करने वाला होगा, इसे त्याग देना ही उचित है, किंतु पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र इसका त्याग नहीं कर सके। फिर उन कुंडों में से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं एक दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। गंधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी, अतएव उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सेवा से उस दासी का भी एक युयुत्स नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथा योग्य कन्याओं से कर दिया गया और दशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। तो ये थी कौरव और पांडवों के जन्म की कथा। आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन अवश्य दबा देना और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए आप इस मेरे चैनल पर। राम राम, नमस्कार, खमागणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।